हेलो स्टूडेंट, मैं गणेश गुप्ता डेयर क्लास ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ आपको गणित विषय में पढ़ा रहा था, वास्तविक संख्या तो पढ़ा दिया था और अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय चल रहा था, उसमें कुछ सवाल भी दिए थे, आशा हो कि आप लोग बनाए होंगे आज। और नेक्स्ट सवाल दे रहे हैं उसको पहले सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आप भी दूसरा सवाल देंगे, उसको बनाना है। सवाल है, एक सौ पैंतीस और दो सौ पच्चीस, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है भाग एल्गोरिथम विधि से। भाग एल्गोरिथम विधि कहता है कि a बराबर bq प्लस r, यहाँ चावना हमारे साथ कोई आता है मतलब काम हमारा जीडो छोटा या बराबर होता है r का और r छोटा होता है b से, मतलब जीरो लेस और इक्वल r का होता है और r लेस होता है b का। दिया है स्टेप वन, स्टेप वन में लिखेंगे 225 ग्रेटर 135, मतलब 225 को भाग देना 135 से, तो 225 इक्वल लिखेंगे 135 135, और यहाँ इधर रफ कर लेंगे 135 225 225 135 का टेबल 2000 में पढ़ेंगे तो 217 हो जा रहा है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो इससे कम ही लेना है, मतलब 135 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 550, मतलब 9 बचा ना, मतलब 5 में से 5 गया 0 और यहाँ बचा 2, तो एक हाथ से लेंगे तो 12, 12 में से 3 गया 9, 90 हुआ। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई किए हैं और 90 शेषफल बचा है। जब तक शेषफल 0 ना आ जाता है तब तक यह इसका एचसीएफ नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे r not equal 0, तो फिर स्टेप हम 2 लेंगे, स्टेप 2 में क्या लेंगे, इसको क्या लेंगे भाज्य के रूप में ले लेंगे और इसको भाजक के रूप में लेंगे। तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे 135 इक्वल 90 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 90 है 135 लिखते हैं, फिर जाएगा 90 बचेगा कितना 45 बचेगा 45, उसी तरीके से बचा है कितना 45। अब फिर यहाँ पे भी r क्या है 0 नहीं है, r 0 नहीं है तो क्या करेंगे, फिर इसको स्टेप 3 में ले जाएंगे, स्टेप 3 में जब तक r 0 ना आ जाए तब तक इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएंगे, यहाँ 90 को क्या लेंगे भाज्य के रूप में और 45 को क्या लेंगे भाजक के रूप में। तो इसमें क्या होगा 90 इक्वल क्या लिख सकते हैं 45, 45 का टेबल 2000 पर 90 आ जाएगा, यहाँ पे r क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे r बराबर 0 तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 135 और 225 का एचसीएफ इक्वल क्या हो जाएगा, जो इससे लास्ट में भाग लग गया है वही एचसीएफ हो जाएगा, 45 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, यही आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए 45 से 90 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, दो बार 90 कट गया, यही जो आता है वह क्या होता है हम लोग का एचसीएफ हो जाता है। जिस तरह हमने सवाल सॉल्व करवाए थे उसी प्रकार यह भी सवाल बनाना है आप लोगों को, जिस मेथड से हम बनाया है उसी प्रोसेस से आप लोगों को बनाना है, जिस तरह इसका इसका एचसीएफ निकालना है, इधर इसका रफ कर देना है और यहाँ पे इसका सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, जब तक आर का मान जीरो ना आ जाए, आर अगर जीरो आ जाता है तो जो भाज्य उस समय होगा भाज्य का भाजक वही एचसीएफ हो जाएगा। यह क्वेश्चन उतार लीजिए और इसको सॉल्व कर लाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका एक्सप्लेन करके बताइएगा कि मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वास्तविक संख्या में भाग एल्गोरिथम का सवाल था जो लास्ट है टॉपिक,
यह दो को सवाल है, लास्ट टॉपिक पढ़ाकर इसके बाद आगे टॉपिक पे ले जाएंगे। रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ये सब सिद्ध करने का। अभी जो फिलहाल दो सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे इस पर कोई भी सवाल बेस आएगा उसी मेथड से बनेगा। इसमें फर्स्ट और सेकंड सवाल है, इसको स्क्रीनशॉट कर लिख लीजिए और इस पर हम मिटका कर इसको बनाएंगे। फर्स्ट वाला सवाल है, फिर सेकंड सवाल। फर्स्ट सवाल है, इस सवाल को हल करने के लिए पहले भाग एल्गोरिथम विधि से ही हल करेंगे। हल भाग एल्गोरिथम विधि, भाग एल्गोरिथम विधि कहता है कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां आर जीरो के बराबर और बड़ा होता है और आर जो होता है बी से छोटा होता है। इसमें जो मान दिया हुआ है टू क्यू उसी के रूप में मान लेना है कि बी का मान, माना बी इक्वल दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो इसलिए ए इक्वल क्या हो जाएगा टू क्यू प्लस आर, जहां आर का मान कहाँ रखना है, बी से छोटा रखना है। तो R क्या है, दो से छोटा है, तो इसलिए R इक्वल टू क्या क्या रखना है मान, जीरो और एक, जीरो और एक R का मान रखेंगे। जब हम इक्वेशन वन में रखेंगे R का मान क्या रखेंगे, जीरो, तो क्या होगा A इक्वल टू क्यू प्लस जीरो इक्वल टू क्यू। टू क्यू होता है तो टू क्यू यह सम संख्या का क्या है, रूप है, क्योंकि क्यूब क्या है, इंटीजर है, मतलब एक दो तीन कोई भी मान रखिए या सम संख्या ही देगा। यहाँ पर पुटिंग वैल्यू कीजिए, दो का मान क्यू का मान वन कीजिए, दो एकम दो, दो कीजिए दो दो चार, दो तीन कीजिए दो तीन छः, यह क्या है सम संख्या को डिनोट करता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा सम संख्या। फिर यहाँ पे देखिए, जब हम आर के मान क्या रखेंगे, वन रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ए टू क्यू प्लस वन इक्वल टू क्यू प्लस वन। इसमें क्यू का मान हम जो भी रखें आप प्लस वन जोड़े या घटाएं, इसमें जोड़ने का दिया है जोड़े या घटाएं दोनों क्या होता है विषम संख्या होता है, इसका रूप ही होता है या विषम संख्या ही देगा। यही सिद्ध करना था कि सम है कि विषम है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए इक्वल टू क्यू, टू क्यू क्या है सम संख्या को प्रदर्शित करता है, यहाँ क्यू का मान क्या रखिएगा पूर्णांक है, यहाँ क्या है क्यू क्या है एक पूर्णांक है, तो इसमें क्यू का मान जो भी पुट कीजिएगा सम संख्या ही देगा। इसमें भी क्यू का मान क्या पुट कीजिएगा, वन पुट कीजिएगा, दो एकम दो एक तीन, यह क्या देगा विषम संख्या ही देगा। अतः इसलिए यह क्या है, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि टू क्यू सम संख्या को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है। जबकि टू क्यू प्लस वन विषम संख्या को प्रदर्शित करता है। यह क्या हुआ सिद्ध हो गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं। कोई भी सवाल इस टाइप का आएगा इसी मेथड से बनेगा, जो मेथड अप्लाई किया गया है इस मेथड से सेम प्रोसेस बनाइएगा। और इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन दिए हैं इसके बाद हल कर रहे हैं क्वेश्चन। इसके पहले हम सिद्ध किए थे, इसमें था हल दिया है a इक्वल टू क्यू दिया था, यह सम संख्या है, सम संख्या का वर्ग कर रहे हैं, इसको दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करने पर दोनों तरफ
वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब क्या होगा, इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा, टू क्यू का स्क्वायर, टू क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं फोर क्यू स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे दो का स्क्वायर चार और क्यू का स्क्वायर क्यू हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं फोर क्यू को लिख सकते हैं एम, जहां एम बराबर क्यू स्क्वायर पूर्णांक है। उसी प्रकार हम फिर लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्यू प्लस वन दिया हुआ था, विषम पूर्णांक है, इसके पहले सिद्ध किए थे कि टू क्यू प्लस वन क्या होता है, विषम होता है, टू क्यू क्या होता है, सम होता है, उसी प्रकार इसमें विषम है, विषम संख्याओं का वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करने पर क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे टू क्यू प्लस वन का वर्ग, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बढ़ गया, तो यह इसको टोटल का ये मानेंगे तो क्या हो जाएगा फोर क्यू स्क्वायर प्लस इसको टू ए बी टू इंटू टू क्यू इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर, यही ना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्या फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं फोर इसमें क्यू स्क्वायर इंटू क्यू प्लस वन, इसको भी हम लिख सकते हैं फोर इसको मान लेंगे क्या एम प्लस वन, जहां एम बराबर क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है, क्योंकि इसका मान रखिए क्या, मान लीजिए दो रखेंगे दो का स्क्वायर चार, इसका दो छ, तो छ में चार से गुणा करेंगे तो क्या होगा सम संख्या ही देगा, उसी तरह एम का मान जो भी पुट करेंगे चार से गुणा करेंगे तो वो फिर क्या आएगा सम संख्या आएगा, तो यह पूर्णांक बराबर ले लिए इसमें गुणा करके एक जोड़ेंगे तो क्या होगा यह विषम पूर्णांक ही देगा, तो इसलिए स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि सम पूर्णांक का वर्ग तथा विषम पूर्णांक का वर्ग क्रमशः 4m तथा 4m प्लस 1 के रूप होता है। को हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, मतलब वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 लगभग खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन एक नंबर ये का आता है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, हम क्वेश्चन लिख दिया है, इसी प्रकार चार ऑप्शन सभी में अवेलेबल है, इसमें मान रखना है रूट थ्री एक क्या है कौन सी संख्या है, इसमें आपको चूज करना है कि परिमेय है कि पूर्णांक है कि अपरिमेय है कि इनमें से कोई नहीं है, पाई क्या है, उसी प्रकार इस सब में क्या है यही ऑप्शन अलाउ है, इसमें आपको क्या करना है टिक मारकर टिक आउट करके कमेंट बॉक्स में क्या करना है इसको एक्सप्लेन करके समझाना है कि कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है, और इसी के साथ इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अन्य दोस्तों को भी इस चैनल को बताएं जिससे वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, डेयर क्लास हम लोग का चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा।